Hi students, good morning. Today we are going to study about food and digestion for class 4. First we talk about food. What is food? भोजन क्या है? जिस प्रकार से vehicles को चलने के लिए fuels की ज़रूरत होती है, तो उसी प्रकार से हमें भी रोज़ के कार्यों को करने के लिए या फिर जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है. तो व्हाट इज फूड? भोजन में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार की कमी को पूरा कर पाते हैं. क्योंकि भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब मिलते हैं, तो सबका कार्य एक जैसा नहीं होता है. जिसमें कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है कि हमें एनर्जी देना, फैट्स का कार्य होता है कि वो भी कार्बोहाइड्रेट की तरह ही एनर्जी देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है और साथ ही साथ हमारे शरीर में स्टोर भी हो सकता है. लेकिन कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं होता है. आपने आज खाया तो कार्बोहाइड्रेट अब स्टोर नहीं होगा, कल के लिए या परसों के लिए आप उसे नहीं बचा सकते हैं. आपको कल जीवित रहने के लिए कल भी खाना होगा, परसों काम करने के लिए परसों भी खाना होगा. तो कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स भी अलग अलग फॉर्म के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स. तो ये सब आपको बाद में पढ़ना है. राइस, व्हीट, पोटैटो एंड फूड आइटम्स प्रिपेयर्ड बाय देम आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. इस सब में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा इस सारे भोजन में. फैट्स हो गया, जो कि हमें, जैसे कि हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट की तरह ही फैट्स भी हमें एनर्जी देता है और ज़्यादा एनर्जी देता है. फैट्स की वजह से हम जो है बाहर के आघातों से, प्रहार से बच जाते हैं. और फैट्स हमें वार्मथ रखता है, गर्मी देता है. वाइल नट्स, बटर, फैटी मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारे भोजन आप कीजिएगा तो आपको फैट्स मिलेंगे. प्रोटीन्स, जैसा कि आपको बताया कि प्रोटीन हमें बढ़ने में, ग्रोथ करने में मदद करता है. खास करके बच्चों को इसके लिए प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें रोज़ लगातार बढ़ना है. तो पल्सेस, एग, फिश, चीज एंड पीस आर कॉल्ड, दिस फूड्स आर कॉल्ड प्रोटीन गिविंग फूड. ये सारे भोजन प्रोटीन देते हैं. और प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को बनाता है, बिल्ड करता है. एंड लास्ट है विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन का काम है कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद डिजीज कॉजिंग जर्म्स को मारता है, उन्हें जीवाणुओं से और विषाणुओं से लड़ने में मदद करता है. और ये जो है फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, फिश, लीवर एंड मिल्क में आपको मिलेगा विटामिन्स. एंड मिनरल्स भी मिलता है इन सारे भोजन में. मिनरल्स के कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन. ये सारे मिनरल्स आपको मिलना ज़रूरी है. हालांकि ये विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब तो कम अमाउंट में आपको चाहिए. रोज़ रोज़ ये नहीं कि पूरा पूरा अमाउंट में आपको रोज़ विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए. लेकिन हाँ, कम ही मात्रा में चाहिए, लेकिन आपको ये सब भी ज़रूरी है. ओके, तो द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन. अब हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो भी भोजन हम खाते हैं, तो वो खाते खाते काम नहीं करने लगता है. उसके अंदर से जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो तुरंत नहीं आपको मिल जाते हैं. पहले भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है और इस डाइजेस्ट करने में कुछ समय लगता है. तो डाइजेशन करने में कैसे होता है? जैसे जैसे ही आप भोजन को मुंह में डालते हैं, तो आपका जो डाइजेशन है, फर्स्ट मतलब सबसे पहले यहीं से शुरू हो जाता है. जो मुंह में मौजूद सलाइवा है, जिसे हम लार बोलते हैं, वो भोजन के साथ मिक्स होता है और वहीं से उसका पाचन क्रिया शुरू हो जाता है. भोजन को यहीं पे जो है सिंपलर फॉर्म में, उसको हम बार बार दांतों से उसको बाइट करते हैं, च्यू करते हैं, चबा चबा के उसको छोटा बहुत महीन टुकड़ों में बांट देते हैं. उसके बाद में भोजन माउथ के बाद में सलाइवा से मिक्स होकर के, और फिर जो है भोजन एसोफैगस के माध्यम से चला जाता है स्टोमिक में. यहाँ पे स्टोमिक में चला जाता है, तो स्टोमिक में क्या होता है, यहाँ पे एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जो कि भोजन को और भी सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है. फिर यहाँ पे स्टोमिक में ही भोजन को सबसे पहले चर्ण किया जाता है,
ताकि उसके अंदर मौजूद प्रोटीन को निकाला जा सके और फिर उसको सिंपलर फॉर्म में, उस प्रोटीन को भी सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जा सके। उसके बाद में आपका भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहाँ पर भोजन को अच्छी तरह से और परिपूर्ण रूप से डाइजेस्ट किया जाता है। जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि अलग अलग जगह से आने वाले जूस को, जैसे कि लीवर से जो आपका मिला है बाइल जूस, और फिर आपका पैनक्रियाज से मिलता है पैनक्रियाटिक जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी मिलता है डाइजेस्टिव जूस, ये सारा जूस मिल करके ये भोजन को अलग अलग प्रकार से सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं, उसको पचाते हैं। और तब जो है इसको पचा करके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉल्स होते हैं उसके द्वारा ब्लड वेसल्स में भेज दिए जाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको भेज दिए जाते हैं, और फिर वहाँ पे उनका जो है इस्तेमाल होता है, यूटिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद में लास्ट में आपका, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं, डेडनम, जेजुनम एंड इलियम। लास्ट जो प्रक्रिया है वो इलियम में होता है। हमने आपको बताया कि पनक्रियाज से पनक्रियाटिक जूस निकलता है और लीवर से बाइल जूस निकलता है। इन सारे जूस का इस्तेमाल करके भोजन को अच्छी तरह से पचाया जाता है, और फिर अंत में लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन को भेज दिया जाता है। जो अनपचा भोजन होता है या फिर मरे हुए बैक्टीरिया इस तरह से, तो ये सारे जो है अपशिष्ट पदार्थ को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, और वहाँ पे ये भोजन जो है संचित रहते हैं, मतलब अपशिष्ट पदार्थ। और फिर इसको जो, ये हमारे किसी काम के लिए नहीं होता है, इसे हम रोज रोज त्याग कर देते हैं, जो कि एनस के माध्यम से